आज हमारे पास एक मोबाइल फोन है, जैसे रेडमी का मोबाइल फोन है। इस रेडमी का मोबाइल फोन के अंदर मान लिया कोई कस्टमर आता है, वो लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? लॉक लग जाता है। हम क्या करते हैं, इस लॉक को तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? लॉक तोड़ना चाहते हैं। तो लॉक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और इसका वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप वीडियो के माध्यम से उसको जब कमरे पे फ्री होगे तो एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तो आपका पूरा दिमाग में प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये खाली ऐसा नहीं कि खाली इसी मोबाइल फोन का है। आपके पास कोई भी फोन दुनिया जान का बनने के लिए आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे ही स्टार्टअप करेंगे, ठीक है? ये मेरा बनाने का और समझाने का मतलब ये है, क्योंकि ये हम लोग लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक, अनलॉकिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, ये हमारा मोबाइल फोन कौन सा है, रेडमी का, रेडमी नोट 7S। तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपके पास कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आता है तो आप क्या करेंगे, पहले गूगल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? गूगल खोलेंगे। अच्छा, गूगल क्यों खोलेंगे? गूगल इसलिए खोलेंगे ताकि गूगल में जा करके आप उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या लेंगे? जैसे हमने यहाँ पर डाला रेडमी नोट 7S, आगे लिखा GSM अरीना। जैसे हमने GSM अरीना करके सर्च किया तो ये देखिए उसका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा। भाई ये मोबाइल फोन ऐसा है, इस मोबाइल फोन में ये भी लिख करके आ रहा है CPU कौन सा है, कौन सा है, क्वालकॉम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे, प्लेटफॉर्म के बाद चिपसेट में जाएंगे तो इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9.0 है, ठीक है? तो इसमें से कौन सा CPU लगा है, क्वालकॉम का चिपसेट लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन को आप लॉक खोलने के लिए सबसे पहली बात क्या देखेंगे, CPU। क्या देखेंगे? अब चिपसेट CPU, जब आपने चिपसेट CPU देख लिया तो तुम्हारे दिमाग में ये विजन तैयार हो गया कि भाई ये क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम के माध्यम से ठीक होगा, किसी दूसरे माध्यम से ठीक नहीं होगा। तो दूसरे माध्यम का मतलब क्या होता है कि क्वालकॉम CPU लगा है तो हमको, अगर हम डोंगल से तोड़ना चाहते हैं तो हमको QC फायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि क्वालकॉम CPU के लिए QC फायर यूज होता है। चलिए ठीक। अच्छा, क्वालकॉम CPU जब फोन कनेक्ट होता है तो इसका बूट की क्या होता है, या तो ये प्लस माइनस से कनेक्ट होगा या ईडीएल पॉइंट। हम लोग पहले इसका गूगल में जाके ईडीएल पॉइंट देख लेते हैं। अगर गूगल में ईडीएल पॉइंट होगा तो प्लस माइनस नहीं होगा, आज इसमें प्लस माइनस होगा तो ईडीएल पॉइंट नहीं दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर गूगल का एक और पेज खोल लेते हैं। एक और पेज ओपन किया। इस पेज में ओपन होने के बाद यहां पर हमने लिखा, क्या लिखा, Redmi 7S EDL point। जैसे Redmi 7S EDL point पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहां पर ऐसा फोटो खुल गया। हमने इमेज पे क्लिक किया, ऐसा देखो फोटो खुल गया। ये हमने फोटो खोला, फोटो खोलने के बाद ये कह रहा है कि भाई जब तुम पीछे का खोलोगे, ढक्कन खोलोगे तो इसमें तो चार पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? उसमें से जो दो पॉइंट दिख रहे हैं इधर वाले, जिस तरफ फिंगर लगा है उस तरफ दो पॉइंट हैं। ये दो पॉइंट EDL हैं। EDL का मतलब टेस्ट पॉइंट है, जिनसे आपका फोन कनेक्टिविटी होगी। तो हमने क्या किया, जैसे अगर आपने देखा इस मोबाइल फोन में लॉक लगा हुआ है तो इस लॉक को खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे का ढक्कन खोलना पड़ेगा। सबसे पहले काम करना पड़ेगा, फोन आप शट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? फोन को शट डाउन करेंगे। जब फोन शट डाउन करेंगे तो ये फोन हमको खोलना पड़ेगा। किसी पर ATM कार्ड, हाँ ये है। चलो
आप लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, पीछे का ढक्कन खोल दिया। पीछे का ढक्कन खोलने के बाद हमने को क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर से क्या करना है, इसको फोन खोलना है। स्क्रू ड्राइवर दीजिए, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो चार पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो दोनों पास में जो पॉइंट दिख रहे हैं ये एडियल पॉइंट है। ये कौन सा एडियल पॉइंट है, वही है जो आप लोग अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो। ये देखो ये चार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारे एडियल पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? अब हमको क्या करना है, चिमटी को इसी में शॉर्ट करके डाटा केबल लगा देना है। फोन को बंद कर दिया, फोन को बंद करने के बाद ये दोनों पॉइंट है। अब चिमटी लाओ, ये रखिए, मिल गई। रहने दो, अब देखो फोन कनेक्ट कराने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर में कैसे जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर मैनेज का ऑप्शन आएगा। मैनेज के बाद ऑप्शन आएगा डिवाइस मैनेजर का। डिवाइस मैनेजर में आप मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे, क्या करेंगे, मोबाइल फोन को कनेक्ट कराने के लिए यहां पर देखिए पोर्ट का ऑप्शन आता है, आता है ना। यहां पर पोर्ट में अभी क्वालिकॉम कहीं लिख करके नहीं आ रहा है। जब हम इसको फोन कनेक्ट कराएंगे तभी हमारी कनेक्टिविटी बनेगी। हम लोगों ने क्या किया, दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कराया, और शॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें डाटा केबल लगा दिया। आप अगर देखेंगे यहां पर फोन में कनेक्टिविटी बन गई ना, लेकिन इस कनेक्टिविटी बनने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी बन गया है, येलो कलर के ट्रायंगल बन करके आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? येलो कलर के ट्रायंगल का मतलब होता है इसके अंदर ड्राइवर नहीं है। क्या नहीं है? ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर काम करने के लिए देखिए मैं आपको मैनुअली ड्राइवर इंस्टॉल करना बताता हूँ कि मैनुअली ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैनुअली ड्राइवर के लिए हम लोगों ने यूएमटी सपोर्ट में पहले ही ड्राइवर को ऑलरेडी शायद डाउनलोड किया था। गूगल पे गए, यूएमटी सपोर्ट ओपन किया, आप ड्राइवर में जाएंगे, ड्राइवर के बाद आप कौन सा ड्राइवर करेंगे, क्यूसी फायर। क्यूसी फायर का मतलब क्वालिकॉम का ड्राइवर। ओके स्टार्ट। इसमें देखो क्वालिकॉम का कहीं ड्राइवर आ रहा है, ये आ गया है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में हम एक फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे क्वालकॉम ड्राइवर मैनुअल। यहां पर जाकर इसको पेस्ट करेंगे। अभी ड्राइवर को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, क्या करेंगे, जब ये ड्राइवर खुल जाएगा ऐसा फोल्डर बन के आएगा, ड्राइवर में जाएंगे, ये देखिए। अब हमको क्या करना है, ड्राइवर को लोड कैसे करना है, क्योंकि ये मैनुअली इंस्टॉल होगा। मैनुअली का मतलब होता है आपको जा करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे क्वालिकॉम में गए, यहां पर राइट क्लिक किया, अपडेट ड्राइवर में गए, अपडेट ड्राइवर के बाद ब्राउज माई ड्राइवर,
ठीक, यहाँ पर लेट स्पीक, लेट स्पीक के बाद हैव ए डिस्क कहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद ब्राउज करना है। ब्राउज का मतलब होता है डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप के अंदर मैंने क्वालिकॉम नाम का फोल्डर बनाया है, ये ड्राइवर आ गया। इस ड्राइवर के अंदर इस वाले ड्राइवर को, एंड्रॉयड वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। इसमें लिखा सेटअप इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, उसके बाद ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट, क्लोज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट गया, येलो कलर का ट्रायंगल हट गया, हट गया ना। क्वालिकॉम एस एच क्यू लोडर 9000 कॉम एट, हमारा फोन कनेक्ट हो गया। अब हमारा फोन कनेक्ट हो गया, पहला काम हमने कनेक्ट करा लिया। कनेक्ट कराने के बाद अब आपका क्यूसी फायर टूल का यूज करना है। अच्छा, वहां पर जब फोन कनेक्ट हुआ था तो उसने नंबर कौन सा दिया था? कॉम एट, कौन सा नंबर दिया? अब यहां पर आप रीड एंड टूल में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? रीड एंड टूल में चले गए। जेनेरिक एनी मॉडल, क्योंकि रेडमी कंपनी में कोई मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर डिसेबल लॉक में क्लिक किया, फॉर्मेट एफएस ले लिया। फॉर्मेट एफएस लेने में एग्जीक्यूट कर देंगे। कह रहे डू यू सेव ऑन फॉर्मेट, आप फॉर्मेट करना चाहते हैं? यस कर दीजिए। अभी देखने यहाँ पर फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी। देखो इसने कॉम एट लिख के आया, मतलब इसने हमारे फोन को ही पकड़ा है। अभी आगे ऑपरेशन चलेगा, ओके करेगा, एमएमसी चिप ओके करेगा, इसी तरीके से पूरा ऑपरेशन चलते चलते पूरे मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देगा। ओके, फॉर्मेट, फॉर्मेट यूजर डाटा सेव मोड डन, मतलब यूजर डाटा तो फॉर्मेट हो गया। अब ये कह रहा है इसमें वुड यू लाइक टू एफ आर पी रीसेट, आप एफ आर पी भी तोड़ना चाहते हैं? अगर नो कर दो तो नहीं टूटेगा, अगर तोड़ना चाहते तो यस कर दो तो एफ आर पी भी तोड़ देगा। एफ आर पी का मतलब जीमेल आई डी जो लगा है उसको भी हटा देगा। ओके हो गया, फिनिश लिख के आ गया। जब तक वर्जन ऊपर वही वर्जन लिख के आ गया फिनिश, तभी आप हटाएंगे। फिनिश सक्सेसफुल पास डन कुछ ना कुछ लिख के आएगा, अगर लिख के आएगा तो काम हो गया। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर से आप ऊपर जाएंगे। जब ये फोन कनेक्टिविटी बताता है तो कनेक्टिविटी से तुमको ये समझ में आएगा कि डोंगल ने तुम्हारे फोन को पकड़ लिया है। और कॉम एट लिखने का मतलब ये भी बात समझ में आती है कि इसने तुम्हारे फोन को ही पकड़ा है। ठीक, कंप्यूटर एक से लेकर के 100 तक कोई भी पोर्ट बना सकता है। उसके बाद यहां पर लिख कर गया था एमएसएम एमएमसी 64 GB का आईसी लगा हुआ है। यहां जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए पूरा लिख के आएगा, फॉर्मेट डन, रीसेट एफ आर पी लॉक डन। जैसे आप इसको डन कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो गया। जब फॉर्मेट हो गया तो तुम्हारे मोबाइल फोन का लॉक क्या है? खुल गया। खुलने के बाद आप फोन का डाटा केबल हटा लीजिए। डाटा केबल हटाने के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा मोबाइल फोन पूरा चालू होगा। MIUI लिख करके आया है। अब इसको चालू होने में 5 से लेकर के 7 मिनट तक का समय लगता है, क्योंकि जब पहली बार मोबाइल फोन फॉर्मेट होता है तो उसको ऑन होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब जब ये चालू हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा चालू होगा जैसे डब्बा पैक, नया फोन नहीं निकलता डब्बे से, बिल्कुल वैसे ही। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने को बोलेगा, लेकिन जो इसके अंदर पासवर्ड वासवर्ड लगा था वो सब क्या हो गया? हट चुका है पासवर्ड, हट चुका है। हमारे मोबाइल फोन का लॉक क्या है? खुल गया, हमारा मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा।
अब ये चालू हो जाने दे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। एक दूसरा फोन रखा, उसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तुमको। तो ये जो दोस्तों जो हम लोगों ने बताया है, ये हमने क्वालिकॉम सीपीयू को लॉक खोलने का तरीका बताया है डोंगल के माध्यम से। कोई भी मोबाइल फोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम सीपीयू लगा होता है। अच्छा, बाकी अदर कोई मॉडल आ जाएगा तो उसमें फर्क ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट करना पड़ जाता है। क्या लेना पड़ जाता है? मॉडल सिलेक्ट करना पड़ जाता है। और लेकिन यदि रेडमी कंपनी का कोई भी फोन आता है तो आपको मॉडल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस टूल के अंदर क्वालिकॉम के सारे सब सीपीयू जो रेडमी के यूज होते हैं वो सारे इसमें सपोर्टिंग है, ऑटोमेटिक वो ले लेता है। ये फोन हमारा चालू हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट इंग्लिश। अब हमारा ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे करने को बोलेगा और पूरा सेटअप हो जाएगा। सेटअप होता ही आगे स्क्रीन आ जाएगी और हमारे मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो भी क्वालिकॉम सीपीयू को मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो? लॉक खोल सकते हो। बाकी अदर फ़ोनों में मॉडल लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हारा डोंगल टेस्टेड भी हो गया कि ठीक है, चेक हो गया। देखो स्किप करेंगे, अगर इसमें FRP टूट जाएगा तो यहाँ पर देखो स्किप का ऑप्शन आ जाता है। आ गया स्किप। स्किप का मतलब क्या है? FRP टूट गया। हाँ, FRP तोड़ना तो खाली FRP का अलग से ऑप्शन दिए हुए हैं, खाली अब रीसेट FRP कर देंगे, फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट तो पहले से ही है। अच्छा, जब कोई कस्टमर फोन को फॉर्मेट करके लाता है तभी उसमें FRP लगती है, FRP ऐसे डायरेक्ट तो लग नहीं सकती। इसका 150 रुपये, 150-200 रुपये। देखो आ गया स्किप।
देखिए ठीक, इसमें लग क्या हो गया, खुल गया पूरा, फ्रेश नया हो गया। इस तरीके से जितने भी सारे क्वालिकॉम मोबाइल फोन आते हैं, सारे क्वालिकॉम मोबाइल फोन का हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक खोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।